नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में लालबत्ती चौक पर पुलिस वाला बिना हेलमेट दिखा, किसी ने फोटो खींच ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अब ट्रैफिक पुलिस ने पोस्टल के जरिए उसके घर चालान भेजा है, यानी जिस एड्रेस पर वो नंबर बाइक की प्लेट पर लगा हुआ था उसी एड्रेस पर ट्रेस करने के बाद ऑनलाइन चालान काटा गया और पोस्टल के जरिए घर भेज दिया गया। ट्रैफिक SHO रामधन का कहना है कि चालान काटना ये एक अलग बात है, लेकिन इससे पता चलता है कि आम लोग और पब्लिक जागरूक हो रही है। इसी के साथ साथ ट्रैफिक नियमों की पालना पर भी सख्ती की जाएगी। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। जी हां, फतेहाबाद में एक पुलिसकर्मी को बिना हेलमेट के बाइक सवार ने देखा। पुलिस वाला भी बाइक पर सवार था। पीछे खड़े बाइक सवार ने उसकी फ़ोटो खींच ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। दरअसल पुलिस वाला लालबत्ती चौक पर वर्दी में था और उसने हेलमेट नहीं पहना था, हालांकि वो बाइक पर सवार था और उसके पीछे खड़े एक व्यक्ति ने उसकी फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वायरल होते ही पुलिस डिपार्टमेंट ने भी उस फोटो में बाइक नंबर को ट्रेस किया और जिसके घर पर यह नंबर जारी किया गया है उसी पोस्ट पर उन्होंने पोस्टल के जरिए चालान भेज दिया। ट्रैफिक SHO ने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जो भी एड्रेस पर चालान जो भेजा गया है वो चालान राशि निर्धारित होगी, उसी के हिसाब से चालान भरवाया जाएगा। अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में पूरे नियम के तहत चालान भर का भुगतान किया जाएगा तो 100 रुपये चालान बनेगा अगर पुराने हिसाब से होगा, और अगर नए नियमों के हिसाब से भुगतान किया जाएगा तो 1000 रुपये का चालान भरा जाएगा। SHO ने बताया कि लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और ये भी ट्रैफिक नियमों की जागरूकता की ही एक वजह है कि लोगों ने तुरंत फोटो खींची और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, क्योंकि इससे आम जनता और पुलिस के बीच भेदभाव खत्म होगा। इसका स्वागत है। सर, इसमें हमने ऑनलाइन चालान भेजा है जिसमें HR 22 0693 इसका नंबर है, हमने ऑनलाइन चालान भेज दिया, इसका प्रोसेस में है। जब भी जिसके नाम होगा उसके नाम उसके चालान घर चले जाएगा। चालान तो एज ए हेलमेट का चालान 100 रुपये का बनता है और अभी नया वर्जन के हिसाब से 1000 रुपये का बनता है। हाँ, पोस्टल के माध्यम से किया गया। ये सिर्फ आम जनता को जागरूक करने के लिए ऐसा किया गया। हम ये पता है इसमें पुलिस और पब्लिक का एक ही तालमेल होना चाहिए, हमने उस चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि पब्लिक और पुलिस को हम दूसरे तरीके नज़रिए से नहीं देखते, हम बराबरी देखते हैं।